हेलो दोस्तों, ये जो पम्पकिन आप लोगों को देख पा रहा है ये एक्चुअली बहुत ही छोटा साइज़ का होता है। इसका तकरीबन 800 ग्राम टू 1 केजी तक बढ़ता है और ये उगाने के लिए ज़्यादा ज़मीन का ज़रूरी नहीं होता है और बहुत ही छोटा एरिया में ये उग जाता है और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक एक पेड़ में मैक्सिमम 25 से 30 तक आपको मिल जाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ ये वीडियो, चलिए मेरे साथ। देखने में लगता है कि ये पेड़ तो सूख गया है ऑलरेडी, हमें तो पहले बहुत ही पम्पकिन मिला है तो अभी इसको हटाना पड़ेगा, ऑलरेडी सूख गया है। तो इसमें जो लास्ट स्टेज में जो बचा है उसको हम आज काटेंगे और इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये पम्पकिन ज़मीन पे नहीं बढ़ता है, इसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूरी होता है। इसको क्या बोलते हैं, टेनिया हो या बेम्बो स्टिक कोई भी डालना ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है कितना मिलेगा पम्पकिन यहाँ से, देखिए देखते रहिए। कैमरा पर्सन वो पीछे पीछे ये भी है, देखो भाई लोग सीड सही है तो बताइए, भेज देंगे आप लोग। दो मिल गया, लोग बोलते हैं। और इसको आप लोग गमले में या ग्रो बैग में छोटा एरिया में लगाइए, थोड़ा बहुत सपोर्ट दे दीजिए, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हम लोग कोई भी केमिकल नहीं डाला था, खाली थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था खाद के रूप में, बस इतना ही। और इधर आ, इधर आ, ये एक दे दिया, स्मॉल साइज का हो गया, मिल गया मिल गया। चलो 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 लोगों को दिखा दो साइज स्मॉल है। चलो चलो चलो।